अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक पेशेंट जिसकी हमने डिस्क की सर्जरी की है। इसकी डिस्क की हमने माइक्रो सर्जरी की है, जिसे लेज़र की सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी और कुछ लोग माइक्रो डिस्कैक्टमी भी कहते हैं या एंडोस्कोपिक सर्जरी भी कहते हैं। बेसिकली ये सारे सेम ही प्रोसीजर हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। कुछ एंडोस्कोप के साथ होती है, माइक्रोस्कोप के साथ, या कुछ जो है वो लेज़र के साथ कहते हैं, पर वो डिफरेंट प्रोसीजर है। तो इसके अंदर बड़ी छोटा सा इंसीजन होता है, छोटा सा टक लगता है स्किन के, उसी के अंदर से हम जाते हैं ना, उससे पट्ठों को नुकसान होता है और ना को मसला होता है। ये जो हमारा पेशेंट है, इसे 1 साल से ये गिरा था और 1 साल से इसे कमर में दर्द थी और इसकी टांग में जाती थी, और 1 साल से इसने काफ़ी मेडिकेशन भी ली, डिफरेंट जगहों से मेडिसिन लेता रहा, पर इसे कोई आराम नहीं आया। हमने अब इसका एक रिसेंट MRI कराया जिसके अंदर इसकी डिस्क परसिस्टेंट थी, वो डिस्क ठीक नहीं हो रही थी। तो हमने इसकी माइक्रो डिस्कैक्टमी की है, एक छोटी सी सर्जरी की है जिसका हम आपको इंसीजन भी दिखाएंगे। तो अगर आप ये देखें, ज़रा करीब ले आए, तो ये इसकी डिस्क है जो L4-5 की डिस्क है। ये थोड़ी सी बाहर आई हुई है, यहाँ भी आपको नज़र आएगी, यहाँ भी नज़र आएगी, और अगर इसमें देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगी। देखें, ये नॉर्मल है और ये यहाँ पे ये डिस्क का पीस ब्लैक कलर का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम अपने पेशेंट को पूछेंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसको जो दर्द थी वो कितनी देर से थी, तो कितनी देर से आपको दर्द थी और कैसे शुरू हुई, अगर बताएंगे। गिरा था, गिरने की वजह से ये पहले मेडिसिन खाता रहा। पिछले सितंबर 26 सितंबर से मुझे ये दर्द शुरू हुई। 1 साल पूरा हो गया, मेडिसिन खाता रहा, नहीं आराम आया, ठीक है। फिर MRI करवाई, आपने कहा MRI करवाई, उसके बाद ये गिरा था, ठीक है। तो ये सर्जरी के बाद कितनी देर के बाद चले थे? मैं दूसरे दिन चलने लग पड़ा था, पहले दिन आपने चल इधर हॉस्पिटल में जिस दिन सर्जरी की है जी, उसके अगले दिन यानी सुबह उठ के आप चल पड़े थे। रात के बाद सुबह सुबह उठ के आप चल पड़े थे, ठीक है। सर्जरी यानी शाम को ही और सुबह आप चलना शुरू हो गए। तो पेन कितनी ज्यादा थी इस सर्जरी की? तो मुश्किल सर्जरी थी? इसकी पेन नहीं थी, कभी पेन नहीं थी, चलने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपकी जो टांग की दर्द 1 साल से थी, वो ऑपरेशन के बाद फिर कोई फील हुई आपको या बिल्कुल खत्म? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। तो ये ऑपरेशन के फौरी बाद खत्म हो गई थी? जी, ऑपरेशन के फौरी बाद खत्म हो गई थी। इसके इस दर्द की वजह से पहले दिमाग में भी मतलब के प्रेशर रहता था, एंग्जाइटी टेंशन रहती थी जी। तो इसके बाद ऑपरेशन के बाद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया जी। चलो ठीक है। तो यही आपको बताना था कि ये सर्जरी जो है, बड़े लोग समझते हैं बड़ी मुश्किल सर्जरी है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा, टांगों को मसला होगा, चल नहीं सकेंगे, इस तरह की बड़ी बातें हमारे मरीज आके पूछते हैं। पर ये सर्जरी इसी तरह होती है, आज शाम को अगर सर्जरी हुई है तो सुबह आप वॉक करेंगे, बल्कि आप जब जैसे ही बेहोशी से बाहर आते हैं तो आप वॉक कर सकते हैं। और इसका इंसीजन जो है, इसका जो टक है वो बहुत छोटा सा होता है, और इसमें जो माइक्रो डिस्कैक्टमी, इसके अंदर ना पट्ठे आपके जो है उनको भी डैमेज होता है और ना जो है ना जख्म ज़्यादा बड़ा होता है, और वो जल्दी पेशेंट रिकवर भी कर जाता है, अगले दिन से नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।